का सिलसिला कहाँ रुका है। बस कुछ करने का जज्बा हो तो लोग कर गुजरते हैं। आज हम बात कर रहे हूँ उन गायिका की जिन्होंने उस दौर में अपना नाम बनाया जब लता मंगेशकर जैसे स्वर कोकिला और आशा भोसले जैसी बेहतरीन कलाकार हिंदी सिनेमा में छाई हुई थी। उस दौर में अपना नाम बनाना छोड़ लोगों के लिए काम पाना ही बहुत मुश्किल था। ऐसे दौर में अपना नाम उम्दा कलाकारों की फहरिस्त में जोड़ पाना अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस अदाकारा ने ये कर दिखाया। ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि अनुराधा पौडवाल है। वैसे तो इनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से उनकी पूरी ही जिंदगी बदल गई। अनुराधा की शादी अरुण पौडवाल से हुई थी। कहा जाता है कि अरुण पौडवाल की आसमायिक मौत के बाद अनुराधा और गुलशन कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। अनुराधा पौडवाल ने 10 साल से ज्यादा वक्त तक टी सीरीज के लिए काम किया था। अनुराधा जब अपने करियर के शिखर पर थी तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो अब गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज के लिए ही गाएंगी। इसका फायदा अलका याग्निक जैसे उस दौर के उभरती सिंगर्स को मिला और धीरे धीरे अनुराधा पौडवाल का करियर ग्राफ नीचे की ओर गिरता गया। अब भले ही अनुराधा पौडवाल बॉलीवुड में गाने नहीं गाती हूँ, लेकिन उनके गाए हुए भजन लोगों के बीच आज भी अमर है। MDTV एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से अनुराधा पौडवाल को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।